हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साईकैड सेंटर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अभी हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रियो पैरामीट्रिक। क्रियो पैरामीट्रिक एक एप्लीकेशन है क्रियो बंडल के अंदर, जो क्रियो पूरा बंडल है उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन हैं, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। तो 2008 में जो है क्रियो हमारा रीडिज़ाइन हुआ था, उससे पहले जो है ये प्रो ई एंड वाइल्ड फायर के नाम से अवेलेबल था। तो 1987 में जो है सबसे पहली एप्लीकेशन प्रो इंजीनियरिंग की लॉन्च हुई थी। उसके बाद अभी तक 30 वर्जन जो है टोटल लॉन्च हो चुके हैं, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2019 में लॉन्च हुआ था क्रियो 6 के नाम से। तो क्रियो जो है इंडस्ट्री का फर्स्ट पैरामीट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, एंड ये सॉफ्टवेयर जो कम्पीट करता है कैटिया, सॉलिडवर्क्स, एनएक्स, इन्वेंटर एंड फ्यूजन 360 के साथ। तो जब हम क्रियो ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसी ऑप्शन अवेलेबल होती है, ऐसी एक ब्लैंक शीट हमारे पास ओपन होगी। तो इसमें हम देख सकते हैं ये क्रियो पैरामीट्रिक 5 है। एंड जब भी सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल है, एंड उसमें न्यू, ओपन एंड स्विच की ऑप्शन है, जहां से हम विंडो स्विच कर सकते हैं। देन हमारे पास जो रिबन बार है उसमें फाइल की ऑप्शन है फर्स्ट। तो फाइल में हमारे पास सेम एज न्यू, ओपन, सेव एंड प्रिंट एंड क्लोज की ऑप्शन है, प्लस यहाँ पे हमारे पास रिसेंट फाइल्स अवेलेबल होती हैं। देन मैनेज फाइल में हम जैसे रीनेम करना है फाइल को, या हमारे पास जो है क्रियो, अगर कोई भी फाइल हम जनरेट करते हैं क्रियो में तो मल्टीपल वर्जन हमारे पास सेव होते हैं। जैसे हम एक बार सेव करेंगे तो फर्स्ट वर्जन सेव हो जाएगा, जैसे जितनी बार सेव करते जाएंगे नया वर्जन जो है सेव होता जाएगा, एंड जो अदर फाइल सेव थी तो वो ओल्डर वर्जन में कन्वर्ट होती रहेंगी। तो उससे क्या होता है, हमारा सिस्टम जो है हैवी हो जाता है, जो हमारा स्पेस है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, तो उस वजह से हम इसको यहां से डिलीट ओल्ड वर्जन की ऑप्शन यूज करते हैं। देन हमारे पास प्रिपेयर की ऑप्शन है, सेंड की है, जो अभी आगे इनेबल होगी जब हम किसी फाइल को ओपन करेंगे। देन मैनेज सेशन है। अब सेशन में हमारे पास जैसे हमने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो जब तक हम ये सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं करेंगे तब तक जितनी भी फाइल हम खोलेंगे इसके मेमोरी में ये सेव करता रहेगा, तो उससे हमारा लोड बिल्डअप होता है। तो उन फाइल्स को क्लोज करने के लिए हमारे पास यहाँ से ऑप्शन रहती है इरेज नॉट डिस्प्लेड, एंड अगर हमने करंट फाइल को इरेज करना हो तो यहाँ से वो ऑप्शन अवेलेबल रहती है। देन हमारे पास यहाँ पे मैनेजमेंट है, तो उसमें जैसे सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, तो अभी क्रियो को जैसे पता नहीं है कि आप कहाँ फाइल सेव करना चाहोगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट्स पे ही जाएगा। अगर आप अपना करंट कोई फोल्डर चूज करना चाहते हैं तो कोई भी फोल्डर आप सेलेक्ट करके उसको जो है करंट डायरेक्टरी सेट कर दोगे तो हर बार उसी जगह पे ही फाइल सेव होती रहेगी। देन हमारे पास लास्ट में ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में हमें सेटिंग है पूरे सॉफ्टवेयर की, अगर कुछ भी सेटिंग करनी है तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, या हमारे पास यहाँ पे मॉडल डिस्प्ले में कर सकते हैं, या सिस्टम अपीयरेंस से रिलेटेड कोई सेटिंग करनी है तो यहां से कर सकते हैं। देन हमारे पास इसमें ऑप्शन अगेन वही सारी हैं, ओपन, सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, इरेज नॉट डिस्प्ले, वही सारी ऑप्शन है। देन यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं ये है फोल्डर ब्राउजर, अगर हम किसी फाइल में होंगे तो ये मॉडल ट्री ओपन हो जाएगा, अभी मॉडल ट्री हिडन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्निंग कनेक्टर अवेलेबल है, अगर आपको एक्सेस है इसके, इसका आपके पास, तो यहाँ से इसमें ट्यूटोरियल्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, एक है शो नेविगेटर, तो नेविगेटर ऑन ऑफ के लिए है। देन हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो ब्राउजर के लिए है, आप डायरेक्ट ब्राउजर यहां से भी ओपन कर सकते हो, यहां से भी एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट अगर आपका कनेक्टेड है तो। उसके बाद जैसे ही हम न्यू फाइल पे जाएंगे तो न्यू में हमारे पास डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन आएगी टाइप की, तो टाइप पे अगर आपको पार्ट चाहिए, असेंबली चाहिए, वो सब ऑप्शंस हैं, और सब टाइप में हमारे पास सॉलिड, शीट मेटल, इस टाइप की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन फाइल नेम है, अब क्रियो में कोई भी फाइल का नेम अगर आप सेव करते हो तो उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते हो, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। देन डिफॉल्ट टेम्पलेट में जैसे अगर हम अभी ऐसे डायरेक्ट इसको ओपन कर देते हैं तो हमारे पास जो इसका डिफॉल्ट टेम्पलेट है वो आएगा, अगर आप चाहते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो तो डिफॉल्ट हटा के ओके करेंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो जो भी टेम्पलेट चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा पार्ट मॉडलिंग ओपन हो जाएगा।
तो पार्ट मॉडलिंग के अंदर अब हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे हैं, जैसे सेव की ऑप्शन अब अवेलेबल है एंड रीजनरेट की है। जब भी आपका मॉडल रीजनरेट नहीं हो रहा है बाय डिफॉल्ट, तो आप यहाँ से उसको रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे आप असेंबली है उसको मोशन चेक कर रहे हैं तो वापस अपनी जगह पे लेके आना है तो रीजनरेट करना पड़ेगा। देन यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन, जैसे एक विंडो है तो अगर मैं एक और ओपन कर देता हूं, तो अगर आपको स्विच करना है विंडोज में तो आप यहां से ही इसको स्विच कर सकते हैं, नहीं तो एक्टिव नहीं होगी। तो ये स्विचिंग की ऑप्शन है यहां से। देन हमारे पास उसके बाद रिबन है, यहां पे रिबन में हमारे पास टैब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मॉडल टैब है, मॉडल में हमारे पास अलग अलग पैनल्स हैं। तो ऑपरेशंस में हमारे पास रीजनरेट की ऑप्शन है, देन हमारे पास कॉपी पेस्ट की है, क्लिपबोर्ड है, देन यहां से डेटा से रिलेटेड है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई ऑप्शन चाहिए तो ये है। देन डेटम्स हैं, जैसे प्लेन बनाने हैं, एक्सिस है, पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद शेप्स हैं, जैसे आपको एक्सट्रूड करना है, रिवॉल्व है, वो सब ऑप्शन। इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, होल, राउंड, चैम्फर। एंड एडिटिंग है, आपको मिरर करना है, ट्रिम करना है, मर्ज करना है, वो सारी ऑप्शन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सॉलिड और सरफेस जो है एक ही इसमें फाइल के अंदर है, आपको अलग अलग टैब पे नहीं जाना पड़ेगा, इसमें एक ही टैब के अंदर अलग अलग पैनल्स में अवेलेबल है। देन यहाँ पे मॉडल ट्री आप देख सकते हैं, मॉडल ट्री में सेम एज ऑप्शन जैसे अदर सॉफ्टवेयर में है, सेम वही है, जैसे प्लेन्स अवेलेबल हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देन हेड्सअप डिस्प्ले में जो व्यू टूल बार है हमारी, उसमें व्यूज से रिलेटेड ऑप्शन है, जूम इन जूम आउट से रिलेटेड है। देन हमारे पास इसमें यहाँ पे विजुअल स्टाइल्स हैं एंड उसके बाद डेटम्स की ऑप्शन है ऑन ऑफ की, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग ऑप्शन है। देन हमारे पास ये जो हमारा वर्किंग एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि डेटम्स प्री डिफाइंड हैं, पहले से हमें शो होते हैं, जैसे प्लेन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट की ऑप्शन है एंड फिल्टर की ऑप्शन है कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। अभी ये ज्योमेट्री पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, तो जैसे ही हम किसी फीचर को ऑन करेंगे, जैसे मैं स्केचिंग पे जाना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक अदर डायलॉग बॉक्स जो स्केच का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। देन हमें उसमें प्लेसमेंट डिफाइन करनी होगी यहाँ से, तो आप डायरेक्ट व्यू लेके भी, यहाँ से प्लेन लेके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक स्केचर एनवायरनमेंट के अंदर एंटर हो गया है। तो उसको आपको नॉर्मल टू द व्यू करना है, तो हमारे पास स्केच व्यू की ऑप्शन है, तो ये ओरिएंटेट हो जाएगा हमारे व्यूज के अकॉर्डिंग। तो जो भी उसके अंदर आपको सेटिंग करनी है, जो भी ड्रॉइंग्स क्रिएट करनी है, वो आप यहाँ से इनकी हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सेटअप है, फाइल सिस्टम है, डेटम्स हैं एंड स्केचिंग की ऑप्शंस हैं, एडिटिंग की ऑप्शन है, कंस्ट्रेंट्स हैं एंड डायमेंशन है, इंस्पेक्शन से रिलेटेड है एंड ये कंप्लीट करने के लिए है। अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर ओके करते हैं तो ये जो है स्केच क्रिएट हो जाएगा। तो मॉडल ट्री में हमारा स्केच अभी अवेलेबल है, इसमें आप अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट डेफिनेशन है या कंट्रोल ई से कर सकते हैं। और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 3D में, तो हमारे पास जैसे एक्सट्रूड है, तो एक्सट्रूड में आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो एक्सट्रूड की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। तो इस टाइप से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रियो पैरामेट्रिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद हम डेली जो है इसमें वीडियोज अपडेट करने वाले हैं। थैंक यू।